आज आपकी यूनिट का लास्ट टॉपिक सब रूटीन। सब रूटीन पहले फंक्शन हमने डिस्कस किया था। फंक्शन में हमने देखा था कि एक आर्गुमेंट जो है आप रिटर्न होता है, बाकी आर्गुमेंट रिटर्न नहीं होते। मतलब एक से ज्यादा वैल्यू अगर आपको रिटर्न करवानी हो तो हम सब रूटीन्स को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा फंक्शंस का तो पहले फंक्शंस का लेक्चर देख लेना, बाद में सब रूटीन का लेक्चर देख लेना, ओके। तो सब रूटीन्स का अगर आप सिंटेक्स देखो तो सबसे पहले आप सब रूटीन लिखोगे, देन आप सब रूटीन का नाम लिखोगे और ब्रैकेट में आप लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हो सब रूटीन में वो लिखे जाएंगे, या सब रूटीन से जो रिटर्न होने वाले हैं आर्गुमेंट्स वो लिखे जाएंगे इस लिस्ट में। देन आप आर्गुमेंट जो आपने यहाँ यूज़ किए हुए हैं आर्गुमेंट उनका टाइप डिक्लेयर करोगे, या फिर आपके कोई लोकल वेरिएबल आप इसी में जो स्पेशली आप यूज़ करने वाले हो उनका टाइप डिक्लेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी ऑफ रूटीन लिखोगे, सब रूटीन लिखोगे जिसमें आपने जो भी कैलकुलेशन करवानी है या कोई भी काम करना है वो सब यहाँ लिखा जाएगा, जस्ट लाइक मेन प्रोग्राम में जैसे आप लिखते थे वैसे ही सब रूटीन में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में सब रूटीन एंड हो जाएगा, एंड विद सब रूटीन नेम आप इसको एंड कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे दो वैल्यूज हैं जिनको इंटरचेंज करना है और मैं उसके लिए सब रूटीन लिख रही हूँ, ठीक है। तो सब रूटीन का मेरे पास ये है सिंटेक्स। सब रूटीन में हम टाइप स्टेटमेंट आगे नहीं लिखते हैं, तो सब रूटीन का कोई टाइप नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है सब रूटीन, देन उसका नाम। नाम सपोज मैं आपका टेस्ट लिख देती हूँ या स्वैपिंग करवा रही हूँ तो वेरिएबल चेंज या इंटरचेंज, इंटरचेंज लिख देती हूँ, ठीक है। वेरिएबल इंटरचेंज करवा रही हूँ, जिसको इंटरचेंज करवाना है वो आर्गुमेंट आपके सपोज एक्स और वाई हैं तो उनको डाल देती हूँ एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये आर्गुमेंट आपने पास किए हुए हैं, ये डमी आर्गुमेंट है इसके, ओके। तो ये आपका इसकी जगह आ गई, इस वाली लाइन की जगह, ओके। और लास्ट में आपके पास एंड ऑफ सब रूटीन होता है, तो एंड ऑफ सब रूटीन भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो एंड सब रूटीन का किस तरह से करते हैं कि जस्ट लाइक प्रोग्राम का एंड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से एंड स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन सब रूटीन का नेम लिख देते हैं इंटरचेंज। यहाँ ये सब रूटीन का आपके पास यहां से शुरू हो रहा है सब रूटीन और यहां पर फिनिश हो रहा है, राइट। अब इसमें सब रूटीन में जो आपको काम करना है वो लिखा जाएगा। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम है, तो वेरिएबल मेरे पास जो है जो पासिंग आर्गुमेंट है वो एक्स और वाई है, उनकी टाइप डिक्लेयर कर देती हूँ। सपोज वो रियल है तो रियल मेरे पास एक्स और वाई, ठीक है। उसके अलावा मैं स्वैपिंग के लिए एक टेम्प्रेरी आपके पास वेरिएबल यूज़ करने वाली हूँ, जो लोकल वेरिएबल है सब रूटीन का वो है टेम्प, उसको यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी स्वैपिंग के लिए, आपके पास सबसे पहले टेम्प को असाइन करूँगी, टेम्प में एक्स की वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, तो टेम्प को एक्स की वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद क्या करती हूँ कि एक्स की जो एक्स की स्टोरेज प्लेस पर मैं वाई की वैल्यू सेव कर लेती हूँ और वाई की जगह फिर मैं वाई के स्टोरेज प्लेस पर टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस पे जो वैल्यू है वो कॉपी कर लेते, ठीक है। तो अब ये इंटरचेंज हो गया आपका और यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली जितने भी आपने आर्गुमेंट लिखे हुए हैं सब रूटीन में उन सब के जो है वैल्यूज़ आपके पास मेन प्रोग्राम में इंटरचेंज होंगी। तो ये सब रूटीन का किस तरह से इसका लिखा जाता है वो है, ठीक है। अब मेन प्रोग्राम लिख लेते हैं जो इसको कॉल करेगा सब रूटीन को, तो मेन प्रोग्राम में उसके ऊपर लिख रही हूँ। प्रोग्राम का आपकी बार नाम भी डाल लूंगी, फोर्ट्रन 77 है तो ये आपका सेवंथ कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोग्राम की मेन बॉडी यहां से शुरू हो रही है, प्रोग्राम नेम सपोज ये आपके पास है चेंजिंग या स्वैपिंग ऑफ वेरिएबल, स्वैप वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपके पास है प्रोग्राम का नाम, ओके। और ये इसका एंड जो हो रहा है दैट इज एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, एंड प्रोग्राम स्वैप वेरिएबल, ओके।
नाम भी लिखना चाहो तो मैं नाम भी लिख सकती हूँ, स्वैप वेरिएबल, ठीक है। ये मेन प्रोग्राम मैं इसके बीच में लिखूंगी आपका पूरे मेन प्रोग्राम को। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो मेरे पास, सपोज सबसे पहले मैं इम्प्लिसिट नन कर देती हूँ कि कोई भी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर ना हो। यूज़र जो है वेरिएबल के टाइप डिक्लेयर करे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लिसिट नन, ओके। उसके बाद टाइप डिक्लेरेशन, जिनकी स्वैपिंग करवानी है, सपोज मेरे पास है दो वेरिएबल ए और बी, ओके। और ये ए और बी की वैल्यू, सपोज ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है आपके पास 6, ठीक है। और इनकी वैल्यू मुझे स्वैप करवानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब सब रूटीन को यूज़ करने का तरीका क्या है कि उसको कॉल करते हैं, कॉल सब रूटीन नाम से इंटरचेंज। ठीक है, और जो इसमें डमी, जो इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट है वो पास करने हैं। तो जितने आर्गुमेंट आपने वहाँ पे सब रूटीन के उसमें लिखे थे, उतने ही आर्गुमेंट यहाँ लिखूंगी मैं। वहाँ एक्स वाई दो आर्गुमेंट थे, यहाँ पर फिर दो आर्गुमेंट लिखूंगी, ए और बी, ठीक है। तो ये मैंने कॉल कर लिया सब रूटीन को, और यहाँ से क्या होगा कि आपका स्वैपिंग हो जाएगा, ओके। जो काम आपका उसमें हो रहा था वो यहाँ हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो पहले देख लेती हूँ कि आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, तो प्रिंट स्टार कोमा, मैं टर्मिनल पे वैल्यूज़ लिखवा लेती हूँ, जो आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है वो वैल्यू लिखवा लेती हूँ, ए और बी की कितनी है, तो ए की वैल्यू एंड देन बी की वैल्यू, ठीक है। और इस सब रूटीन को कॉल करने के बाद ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, फिर से उनको देख लेती हूँ। तो प्रिंट स्टार कोमा ए और बी, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। राइट, मेन प्रोग्राम मेरा ये है, जो सब रूटीन को मैंने कॉल किया हुआ है वो यहां कॉल किया है, ठीक है। और कॉलिंग में मैंने जब सब रूटीन को कॉल किया है, बाय इट्स नेम कॉल किया, जो मैंने यहां नाम यूज किया था वही नाम आपके पास वही नाम मैंने जो आपके पास ये नाम यूज़ किया था इंटरचेंज, वही नाम मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो आर्गुमेंट थे एक्स और वाई, वही दो आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर जो है दो आर्गुमेंट यहाँ पर यूज़ किए, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल, कंपाइलेशन इसकी कंप्लीट हो गई, और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब ये देखो, आपने फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आपने यहाँ यूज़ की थी, जहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, जो कि 4 और 6 थी। नेक्स्ट आपने सब रूटीन को कॉल करके फिर से वैल्यू प्रिंट करवा के देखी ए और बी की, तो ए की वैल्यू अब आपके पास हो गई 6 और बी की वैल्यू हो गई 4। तो सब रूटीन का काम जो था स्वैपिंग करना, वो आपके पास काम हो चुका है। स्वैपिंग जो है, स्वैपिंग में आपने क्या किया, जैसे आपने दो ग्लास हैं आपके पास पानी के, और आपको उनका पानी इंटरचेंज करना है, तो आप क्या करते हो, थर्ड ग्लास लाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लास का एम्प्टी वाले ग्लास में पानी डालते हो, फिर वो ग्लास फर्स्ट वाला एम्प्टी हो जाता है, फिर उस ग्लास में क्या करते हो, जो फिल्ड है थर्ड वाला ग्लास उसका पानी डाल देते हो, और जो आप ग्लास एक्स्ट्रा लाए थे अब की बार उसका पानी सेकेंड वाले ग्लास में डालते हो, तो इंटरचेंज पानी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 लोकेशन यूज़ किए, 2 एक्चुअल थी जिनकी वैल्यूज़ मुझे एक्सचेंज करनी है, और तीसरी मैं एक टेम्प्रेरी लोकेशन में लाई हूँ मेमोरी की, उसको यूज़ कर रही हूँ एक्सचेंज के लिए। तो पहले मैंने क्या किया, एक्स की मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू थी उसको कॉपी कर लिया टेम्प्रेरी लोकेशन पे, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जो है वहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, तो मैंने वाई की जो वैल्यू थी उसको कॉपी कर लिया एक्स की लोकेशन पे, अब एक्स की लोकेशन पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, और लास्ट में वाई की लोकेशन पे मैंने जो टेम्प्रेरी वाली है, ये टेम्प्रेरी लोकेशन पे वैल्यू थी वो आपके पास कॉपी कर लिया। तो इस तरह से मेरी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो एक्सचेंज हो गए। अब ज़रूरी नहीं है सब रूटीन में 1-2 ही आर्गुमेंट हो, आप मल्टीपल आर्गुमेंट भी पास ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक आर्गुमेंट पास करूँ यहाँ पर,
सपोज मुझे x और y की मल्टीप्लीकेशन देखनी है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड वेरिएबल भी कर दूँ, तो थर्ड वेरिएबल मेरे पास z है, और z क्या कर रहा है, a और b को मल्टीप्लाई कर रहा है आफ्टर एक्सचेंज। ये देखो, आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ वेरिएबल a और b मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ तक अगर आप देखो, टेम्प्रेरी यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो उनके लोकेशन पर वैल्यू है। तो a मल्टीप्लाइड बाय b, अब ये भी वैल्यू रिटर्न होगी। सिमिलरली इसको कॉल करते हुए, जब आप इसको कॉल कर रहे हो, तो यहाँ भी वैल्यू के आपने तीन आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा मैंने सपोज मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग m u l t, ठीक है, ये मेरे पास थर्ड आर्गुमेंट है, और इसकी मैं टाइप भी यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेती हूँ मल्टीप्लीकेशन की क्या वैल्यू। अब ये प्रोग्राम मल्टीप्लीकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग में आपने देखा कि यहाँ पे मैंने तीन ही आर्गुमेंट डाले हैं, ए बी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सब रूटीन का नाम है इंटरचेंज, ओके। तो इसको कंपाइल कर लूँ, बिल्ड एंड देन गई कंपाइल पर, कंपाइलेशन कंप्लीट विद वन वार्निंग दैट वेरिएबल बी यहाँ पर, जो वेरिएबल बी है इसका लोकल पार्ट नहीं है, एक्स इंटू वाई करना है, ठीक है, क्योंकि ए और बी की कॉपी वैल्यू कहाँ हुई है, ए की हुई है एक्स में कॉपी, और बी की हुई है वाई में कॉपी, और उसके बाद उनका इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। रिटर्न में वापस जब रिटर्न में जाएंगी, तो ए इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ था, तो जो इसकी वैल्यू बनी है वो ए में वापस जाएगी, और जो इसकी वैल्यू बनी है वो बी वाले लोकेशन पर वापस जाएगी, और जेड की लोकेशन पे वो वैल्यू जाएगी जो यहाँ से इवैल्यूएट हुई है, ठीक है। तो कंपाइलेशन इसकी कंप्लीट हो गई, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आता है। अब आप देखो, वैल्यू फर्स्ट ए की थी 4, बी की थी 6, उसके बाद उसकी आपने इंटरचेंज करवाई वैल्यू, और उनकी मल्टीप्लीकेशन निकाली 24, तो ये काम आपका जो है थ्रू सब रूटीन हुआ है, राइट, ओके। अब सब रूटीन या फंक्शंस का मेन पर्पस ये होता है कि कोई भी काम, एक तो क्लैरिटी आपके पास हो जाती है, ठीक है, मेन प्रोग्राम आपके पास छोटा हो जाता है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड बीच में आप डालते हो किसी काम के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसको आप अलग से कर सकते हो, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब रूटीन लिख लेते हो, या कोई काम आपको बार बार करना पड़ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सब रूटीन लिख लेते हैं। तो फ़ायदा यह है, मान लो मुझे ये मल्टीप्लीकेशन बार बार करनी है, और मैं यूज़र से मांग रही हूँ कि यूज़र आपको बताए ए और बी की वैल्यू क्या है, और आप उसको मल्टीप्लाई करके दो, तो आपको सिर्फ ये कोड इतना लिखना पड़ेगा। मान लो आप 5 times वैल्यू, 5 वैल्यू यूजर से मांगते हो, उन 5ों की वैल्यू इंटरचेंज करते हो और मल्टीप्लीकेशन बता रहे हो। तो सपोज मेरे पास आई 1 से लेके 5 तक वेरी कर रही, ठीक है, एंड देन आप क्या कर रहे हो, रीड स्टार कोमा स्टार वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम, ये आप यूजर से इनपुट मांग रहे हो, ठीक है, यूजर इसकी इनपुट देगा, उसके बाद आप क्या करोगे, आप वैल्यू ऑफ ए एंड बी प्रिंट करवा रहे हो, उसके बाद इनकी इंटरचेंज कर रहे हो, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, और लास्ट में ये एंड डू यहाँ पर इसका एंड कर देते हैं, ये एंड डू डू लूप की एंड, ठीक है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी है डू लूप की बॉडी है, डू लूप के अंदर लिखी हुई है, राइट। तो अब मैंने 5 times यूजर से इनपुट करवाया है, और ये मेन प्रोग्राम अगर आप देखो तो आपका काफी छोटा बन गया है,
i की डिक्लेरेशन इंटीजर i, ओके, एंड देन प्रिंट ए बी एंड डू ओके, तो इसको कंपाइल सबरूटीन को कॉल किया हुआ है, तो कंपाइल इसको कर लिया, एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, तो ये फर्स्ट जहां पे पहले इसको पहला नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर सपोज मेरे पास है 5, सेकंड नंबर 6, एंटर करवा लिया, रन टाइम एरर। मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास 3 आर्गुमेंट जा रहे हैं इंटरचेंज वाले सब रूटीन में, ए बी और एम यू एल टी मल्टीप्लीकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन अगर मैं सब रूटीन को चेक करूँ तो सब रूटीन में भी मेरे पास 3 आर्गुमेंट हैं, लेकिन उनके टाइप अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक्स वाई दैट इज रियल, जेड दैट इज ऑल्सो रियल बाई डिफॉल्ट, अगर मैंने डिक्लेयर भी नहीं किया तो बाई डिफॉल्ट भी ये रियल है, ओके, तो ये आपके पास रियल है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड आर्गूमेंट अगर मैं देखूँ तो थर्ड आर्गूमेंट मैंने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है। अगर मैं इस वार्निंग को जो मेरे पास आई है इसको इग्नोर करके स्टिल इस प्रोग्राम को रन भी कर दूँ तो मेरे पास रन टाइम एरर आ जाएगी, तो रन टाइम एरर आपके पास जो रन टाइम एरर आएगी सपोज फर्स्ट मेरा वेरिएबल 3 सेकंड 4 और मेरे पास ये रन टाइम एरर आई है जिसमें लिखा हुआ कि अटेम्प्ट टू कॉल अ रूटीन विद आर्गुमेंट नंबर 3 एज इंटीजर काइंड 3 व्हेन अ रियल काइंड 1 वाज रिक्वायर्ड। मेरे पास जो थर्ड आर्गुमेंट था सब रूटीन का उसका टाइप जो है वो आपके पास रियल टाइप था, रियल टाइप ही रिक्वायर्ड था जब मैं उसको कॉल कर रही थी, कॉलिंग के टाइम मैंने इंटीजर टाइप से कॉल किया है तो वो वहाँ पर आपके पास मिसमैच है, तो इसको मैं ठीक कर लेती हूँ अभी, तो बजाय इसको मैं इंटीजर के ये मेरे पास टाइप मैच होना चाहिए, तो ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन एम यू एल टी मल्टीप्लीकेशन इसको यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल कर रही हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आई है, कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं है, एग्जीक्यूट इसको कर लेती हूँ, 5 टाइम्स मैं आपके पास कॉल कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में सब रूटीन को, तो फर्स्ट वैल्यू जहाँ रीड के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू मैं दे देती हूँ सपोज 3 एंड 4, तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 3 एंड 4, इंटरचेंज होने के बाद ये 3 एंड 4 का 4 एंड 3 एंड मल्टीप्लीकेशन आपके पास आ गई 12, सेकेंड वैल्यू मेरे पास 4 एंड 5, थर्ड वैल्यू मेरे पास 6 एंड 7, फोर्थ वैल्यू आपके पास 7 एंड 8 स्पोज, एंड लास्ट वैल्यू आपके पास 9 एंड 10। इसी के साथ आपका फोर्थ रन का सिलेबस कम्प्लीट हो गया।